जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, व्यक्ति बड़े बड़े सपने संजोता है और कई बार ऐसे सपने, ऐसी ख्वाहिशें और कभी कभी तो ऐसी जरूरतें होती हैं कि व्यक्ति लंबे समय से उन जरूरतों के लिए जी रहा होता है, प्रयत्न कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। कोई समय ऐसा नहीं आता है कि जब ऐसा सुनने को मिले कि इस काम का प्रारंभ हो गया है या यह काम अब हो जाएगा। कितनी दफे होने को होता है, होते होते काम रह जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बन नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं कि इस उपाय को जो भी व्यक्ति करेगा, देखिए मैंने बता दिया है कि टोना और टोटका कैसे काम करता है, किस तरह से इसे किया जाता है, तो आप इसको संपूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करेंगे तो आपका जो कोई भी मंसूबा होगा, जो कोई भी आपकी इच्छा होगी, जो कोई भी आपकी ख्वाहिश होगी या जरूरत होगी, आप देखेंगे कि 24 घंटों के भीतर भीतर आपको ऐसे शुभ समाचार, ऐसे वाइब्स आने लग जाएंगे, इस तरह की घटनाएं घटने लग जाएंगी, ऐसी खबरें आपको मिलने लग जाएंगी, आपको अंदर से ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि आपने जो काम करने के लिए सोचा था बहुत लंबे समय से, या आपको जिस वस्तु की बहुत लंबे समय से आवश्यकता थी, वो बस अब होने ही वाला है, वो अब हो ही जाएगा, ऐसा आपको पॉजिटिव वाइब्स आपको आने लग जाएंगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से कई ऐसे हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, तंत्र मंत्र, टोने टोटके इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, और व्रत त्यौहार पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय से समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इस तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इस चैनल के माध्यम से इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं, बहुत ही अचूक उपाय है, सचोट उपाय है। इस उपाय को करने से, संपूर्ण श्रद्धा से करेंगे यदि आप इस उपाय को, तो आपने जो कोई काम आपका सोचा होगा वो काम आपका सफल होगा। आपको करना क्या है, जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, वैसे तो आप इस उपाय को कभी भी सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं, लेकिन सोने के समय पे इसलिए करना है कि संपूर्ण घर में शांति हो जाएगी, फिर कोई भी इस तंत्र को हिलाएगा नहीं, हटाएगा नहीं, इसलिए जब भी आप इस तंत्र को रखें तो फिर इसको कोई हटाए नहीं, हिलाए नहीं, इसकी खास आपको ध्यान रखना है, इसकी तकेदारी आपको रखनी है। आपको क्या करना है कि आपके घर में जो चलनी हो, बड़ी साइज की चलनी हो, जैसे गेहूं चालने की है, बाजरा चालने की, ऐसी बड़ी साइज की आपको चलनी लेनी है, और एक थाली लेनी है आपको कि जो चलनी से छोटी हो, ऐसी आपको थाली लेनी है। अब इस थाली में आपको राख बिछा देनी है। यदि आपके घर में राख नहीं है तो राख बना लें, और एक छोटी सी थाली लें। आप ये थाली किसी की भी ले सकते हैं, स्टील की ले लें, पीतल की ले लें, तांबे की ले लें, कोई भी थाली आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। एक थाली ले लें और उसमें राख आप बिछा दें, उसको हाथ से ना करें, उसको ऐसे करके हिला देंगे तो एक तरीके की हो जाएगी, एक उसमें हो जाएगी, उसमें फिर कहीं उबड़ खाबड़ नहीं रहेगा। इसके बाद आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो जरूरत है, वह आप उस पर लिख दें। इसके लिए आप उंगली का प्रयोग कर सकते हैं, उंगली से भी आप इसको लिख सकते हैं, किसी भी उंगली से आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखना है आपको सीधे हाथ से, इसको लिख दें। और आपके घर में जो पूर्व दिशा हो, पूर्व दिशा में दीवार की तरफ, दीवार से सट करके आपको रखना है कि फिर ये तंत्र हिलना चाहिए नहीं, इसको पूर्व दिशा की तरफ रख के आप इसको ढक दें। रात्रि को सोते समय ये उपाय करना है आपको, और इसको आप रख दें। वैसे आप इसको संध्या समय के बाद में, सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब भी आप इस तंत्र को रखें फिर ये हिलना चाहिए नहीं, तो आप इसको रख दें। इस तरह से जो भी आपकी ख्वाहिश है वो इसमें लिख करके आप रख दें। ये आपको रख के रखना है अगले दिन उतने ही समय तक, नेक्स्ट डे उतने ही समय तक। मान लीजिए आपने 9 बजे रखा है तो अगले दिन रात्रि के 9 बजे तक ही आपको रख के रखना है। 24 घंटे आपको इस तंत्र को रख के रखना है, हिलाना नहीं है। आप देखेंगे इन बिटवीन आपने जो कुछ उसमें लिखा होगा उससे मिलता जुलता आपको शुभ समाचार मिल जाएगा।
इसके बाद इस राख को आप जल प्रवाहित कर दें, किसी पेड़ के नीचे रख दें, किसी भी अच्छी जगह, और बर्तन को आप यूज में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा।